व्यक्ति ने बहुत खूब कहा है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के पास हीरा था, एक व्यक्ति के हाथ में हीरा था, बट उसे मालूम ही नहीं था हीरा क्या था। उसने सोचा ये तो चमकता पत्थर है, फेंक दिया। बहुत सिंपल सी चीज है। आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई चीज ऐसी आपके पास आती है जो वन ऑफ द बेस्ट होती है, जो आपके लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई आके कहता है क्या कर रहा है। आपने कहा वेस्टीज, तेरी तो किस्मत फूट गई, तू तो मर गया भाई, तेरे तो बच्चे ये हो जाएंगे, तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरा ये हो जाएगा, घर बिक जाएगा। आप कहते हो हैं वेस्टीज करने से ऐसा होता है, कल से मैं नहीं करती। आप इमीडिएटली डिसाइड कर लेते हो भाई ये बिल्कुल ठीक है, आप गलत हो। आप जब दूसरे की बात मानते हो तो इसका मतलब समझते हो क्या कहते हो? इसका मतलब होता है कि आप अपने आप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। आप अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है यार, नहीं ये जो कह रहा वो ठीक है। और हम कितने लोगों की बात मानते हैं? ऑल फेलियर्स, ऑल फेलियर्स। कौन लोग आके हमारे को बताते हैं? जो हमारा कभी भी अच्छा नहीं देखना चाहते, जो हमारा कभी भी अच्छा नहीं देखना चाहते, वही आके हमारे को ये सारी बातें बताते और हम अक्सर उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। ये फैक्ट है, मेरे वर्ड निकल रहे हैं बट आप लोगों का दिमाग चल रहा है, आप भी सोच रहे होता है ऐसे ही है। क्योंकि आपको पता है कि जिन लोग आपको सलाह देते हैं वो कौन है, वो कितने काबिल है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि अगर वो आपको सलाह दे रहा है तो वो खुद सलाह खुद करके अपनी जिंदगी को भी बदल सकता है, आपको देने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, उस वीडियो में क्या देखा? उसने कहा हमारे को जिंदगी को चेंज करना है, बहुत बड़े काम नहीं करने, हमें छोटी से छोटी चीजों को चेंज करने की जरूरत है। एक छोटी सी चीज अगर हम अपने घर में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी।